हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 2 से 3 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, तो बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं मैं आपके जो है आपके डीए एरियर्स पर, आपके जो है जून पर इंक्रीमेंट पर, और साथ ही साथ और भी कई अपडेट देने वाला हूं। पूरी वीडियो को लास्ट से देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली आप सभी को पता है कि अब अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन से रिलेटेड जो है आपकी 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब आपके खातों में भुगतान होगा। तो इसी के चलते जो है आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का डीए एरियर्स आपकी अप्रैल महीने की सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में या फिर उसके पहले ही भुगतान किया जा सकता है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी और पेंशन में 42% की बढ़ोतरी के साथ में आपको 3 महीने का डीए एरियर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिलने वाली है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो ऐसे पेंशनर्स जो जून में रिटायरमेंट होने वाले हैं, यानी जून 2023 में रिटायरमेंट होंगे, तो ऐसे में जो है बड़ी खबर आ रही है सभी पेंशनर्स के लिए कि जुलाई से उनको जो बड़ा हुआ इंक्रीमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि जून में रिटायरमेंट होने से उनको कई सारे लॉसेस होंगे, जिसके चलते जुलाई में उनको सारे लॉसेस की कंपनसेट किया जाएगा, उनको बढ़ी हुई दर पर जो है बाकी चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारी उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ अब एक और बड़ी खबर आ रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। ये दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में 2.57 गुना के बेसिस पर आपकी जो है आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन तय की जाती है, जिसमें आपको 9,000 रुपये मिनिमम बेसिक पेंशन के रूप में मिलते हैं। देन जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो DR के रूप में मिलता है। इसी के बाद जो है अभी बहुत सारे यूनियंस और फेडरेशन लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे और बड़ी मांग भी थी कि उनकी जो है फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक कर दिया जाए, जिससे पेंशन और फैमिली पेंशन और साथ ही साथ कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सके। तो मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, तो आगे आने वाली कैबिनेट बैठक में ये बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आगे आने वाली कैबिनेट बैठक में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है या नहीं। और होती है तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी। उनकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ करके 13 से 14,000 रुपये तक जा सकती है। साथ ही साथ कर्मचारियों की जो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ करके 25 से 26,000 रुपये तक पहुँच सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।